नमस्कार खांटीओडिया रेसीपी चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम बिना प्याज रसुण में गोटे थाली प्रस्तुत करवा तेब थाली को आरंभ करने पूर्व जदि आपण मैंने प्रथम थर पर मो चैनल को देखुं और चैनल टी एजाए सब्सक्राइब करना तेज चैनल टी सब्सक्राइब करनी और छोट बेल आइकन को क्लिक करनी जहाद्वारा आपण मो नुआ वीडियोस रो नोटिफिकेशन पाई तेज आसन देखिए आज थाली थाड़ीर प्रथम रेसीपीटी नहीं साधा अरुआ भात अरुआ भात को बनवा समय एम कि अन्नपूर्णा पत्र पकई जहाद्वारा भातर स्वाद और बासना बहुत बढ़िया आसो जदि आप अरुआ भात बनवाप बासमती राइस व्यवहार करे आपड़े अन्नपूर्णा पत्र पकार कौन से आवश्यकता नहीं कारण बासमती राइस निजस्व गोटे बासना और स्वाद थाए तेब आपड़ भात को सर्व करने समय एथु अन्नपूर्णा पत्र को काढ़ी ने केवल भात को काढ़े साधा अरुआ भात को मुग डाली सहित कंबाइन कर तेबे मुग डाली बनवाई प्रथम आम गोटे कप मुग डाली को यहीपरी हाल्का बादामी रंग हेला जाए मीडियम फ्लेम रे प्रथम भाजी नबा मुग डाली यहीपरी भल भाव भाजी हो गला परे आम यहाँ थंडा करके धोई नबा बर्तमान यहीपरी गोटे प्रेसर कुकर को गैस उपरे बसई एथिरे आम आवश्यक पानी पकेबा पानी यहीपरी फुटी आसिले आम एथिरे धोई के रखिथिबा मुग डाली को पकेबा एहा सहित किछि कटा टमाटो पकेबा स्वाद अनुसार किछि हळदी गुंड और लुण को पके आम यार कवर को बंद कर गैस फ्लेम को लो मीडियम रे रखी एथे गोटे विसल आसवा जाए यहाँ आम कुक करवा लो मीडियम फ्लेम रे गोटे विसल आसापर आम गैस फ्लेम को ऑफ करदे ऑटोमेटिक प्रेशर रिलीज हाँपर आम यार लिड को खोल ये डाली आमर बहुत भल भाव सीझी डाली को आपड़ बिलकुल भी ओवर कुक करेंगे ना डाली आमर बहुत भल भाव सीझा सहित यहपर गोटा गोटा रहा दरकार एबे आमे डाली को बघारियाप यहपर गोटे कुकिंग पैन को गरम करी एथिरे आमे गोटे बड़ चमच घी पकेबा घी मेल्ट हो गला परे आमे एथिरे गोटे टीस्पून गोटा जीरा दुईटी तेजपत्र दुईटी सुखिला लंका गोटे बड़ चमच कटा अदा पकेबा आपण कटा अदा जगह छेचा अदा मध्ये नहीं पारिबे ओ गैस रो फ्लेम को लो रे रखी अदार कंचा बासना जीवा जाए यहाँ को आम किसी समय पर भाजी नबा अदा जितेबाला भाजी होगी यार कंचा बासना चली जापर बादामी रंग हो सेतेबेले आमे एथिरे अधा टीस्पून हेंगु पकेबा ओ एहाको आउ अधा मिनिट पई भाजी नबा बघारिया पई छुंका आमर एठी प्रस्तुत होई आइछि एबे आमे आगरु सिझै के रखथिबा डाली को एथिरे पकेबा ओ स्वाद अनुसार किछि कंचा लंगा को एपरि मझिरु फाळ करिके एथिरे पकेबा ओ गैस रो फ्लेम को लो मीडियम रे रखी दुई रु तीन मिनिट पई एहाको आमे फुटे नबा डाली एपरि फुटी गला परे आमे गैस रो फ्लेम को ऑफ कर देबा ते प्रस्तुत होई आइछि हमरा बिना प्याज रसुण रे मुग डाली बर्तमान आम पनीर पोटल आलू रसा प्रस्तुत करवा यह प्रथम आम आलू पोटल पनीर को भाजी नबा कुकिंग पैन में अल्प तेल को गरम कर प्रथम आम आलू को भाजी नबा ये मुलू में अल्प लुण हलदी दे कि गोल नहीं आलू को आम चारि तरफ रु बादामी रंग हेला जाए यहाँ आम मीडियम फ्लेम रे भाजी नबा आलु भाजी हो गला परे मु बड़का तेल रे आउ टिके तेल पकेछि वर्तमान आमे पोटल को मध्ये से समान शैली रे भाजी नबा आलु परे एठे मु पोटल और पनीर रे मध्ये अल्प हळदी और लुण को दे भल भाव गोल तेबे आपण एठी पोटल पनीर और आलु को भाजिया परिवर्ते एहा को तेल रे मध्ये छाणी परिबे पोटल भाजी हो गला परे आमे पनीर को मध्य से समान शैली रे चारि तरफ रु बादामी रंग हेला जाए किछि समय पई भाजी नबा यहार तरकारी को प्रस्तुत करिया पई आमे कढ़ाई रे आवश्यक मुताक तेल पकेबा तेल गरम हो गला परे एठी मु गोटे मीडियम साइज रो टमाटो आधा इंच रो अदा को अल्प पा दे कि चिकण करके बाटि बर्तमान यही मसला बटा को ये पकईकी गैस फ्लेम को मीडियम रे रखी यह दुई रु तीन मिनिट पर भल भाव कषि नबा टमाटो और अदार कंचा बासना चलीगला आम एर आउ गोटे मसला को पकेबा ये मसला को बनवाई मुझे स्वाद अनुसार अल्प हलदी गुंड स्वाद अनुसार किसी लंका गुंड गोटे टी स्पून जीरा गुंड गोटे टी स्पून धनिया गुंड अल्प पा दे कि यार गोटे पेस्ट बनई नहीं बर्तमान ये मसला को पकवापर
ଏହାକୁ ଆମେ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ତେବେ ଆପଣ ଜିରା ଓ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ନୋ ଅନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ କରି ପାଉଡ଼ର୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମସଲା ଯେତେବେଳେ କଷି ହୁଏ କି ତେଲ ଏହିପରି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପୋଟଳ ଓ ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ଦେଇ ଏହାକୁ ମସଲା ସହିତ ଆମେ 4-5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ପୋଟଳ ଆଳୁ ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲା ପରେ ଏହାର ଗ୍ରେଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି ପକାଇବା ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇ ଏହାର ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖି ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ଯାଏ ଏହାକୁ ଆମେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ କରିବା। ପୋଟଳ ଆଳୁ ଏହିପରି ସିଝି ଆସିଲେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପନିର୍କୁ ପକାଇବା ଓ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଓ ଏହାର ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଏହାକୁ ମାତ୍ର ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମର ପନିର ପୋଟଳ ଆଳୁ ରସା ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଥାଳିର ନେକ୍ସଟ ରେସିପି। ଏହି ଥାଳିରେ ମିଠାରେ ନେଇଛି ମୁଁ ଛେନା କ୍ଷୀରି ବା ଛେନା ପାଏସ୍। ଛେନା କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଗୋଟେ କୁକିଂ ପଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ ପକାଇଛି। ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ 2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ଆପଣ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଗୋଟା ଚିନି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଚିନି ଭଲ ଭାବରେ କାରାମେଲାଇଜ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ 750 ml ଫୁଲ୍ କ୍ରିମ୍ କ୍ଷୀର ପକାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ପୁରା ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଫୁଟାଇବା। ଚିନିକୁ କାରାମେଲାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀରିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଆସିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଆସିଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ରାବିଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ୱରକୁ କାଢ଼ି କଡ଼େଇର ସାଇଡ଼୍ରେ କିମ୍ବା କୁକିଂ ପଟର ସାଇଡ଼୍ରେ ଜମା କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି କ୍ଷୀରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ସର ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବା ଓ ସରଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି କୁକିଂ ପଟର ସାଇଡ଼୍ରେ ଜମା କରିବା। ଓ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏହି ସରଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରିରେ ମିଠାର ସ୍ୱାଦକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିମୁଟା ଲୁଣ ପକାଇବା। କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଫୁଟି ଏହିପରି 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଥିରେ ଛେନା ପକାଇବା। ଏଠି ମୁଁ 1/2 ଲିଟର ଫୁଲ୍ କ୍ରିମ୍ କ୍ଷୀରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଛେନାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଛେନାକୁ ପକାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ହାତରେ ଏହିପରି ଭାଙ୍ଗିକି ପକାଇବେ, ନଚେତ ଏହା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ନେବ। ଛେନା ପକାଇବା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖି ଏହାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ କରିବା। ଛେନା କ୍ଷୀରି ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଦରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ହୋଇନଥାଏ ଓ କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଫୁଟି ଫୁଟି ପରିମାଣରେ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ୱାଦରେ ହାଲକା ମିଠା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ 3 ଚାମଚ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନିର ପରିମାଣକୁ କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଚିନି ପକାଇବା ପରେ କ୍ଷୀରିର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆଉ ଟିକିଏ ପତଳା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛେନା କ୍ଷୀରି ଆମର କେତେ କ୍ରିମି ବନିଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏହା କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଛେନା କ୍ଷୀରିର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିକୁ ଠିକ୍ ଆପଣ ଏତିକି ପତଳା ରଖିକି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିବେ, କାରଣ ଏହା ଯେତିକି ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଚାଲିବ ଏହା ସେତିକି ବହଳିଆ ବା ଗାଢ଼ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଡ୍ରାଏନଟ୍ସକୁ ପକାଇ ଏହାକୁ ଆମେ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ସପୁରି ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସପୁରି ଖଟା ବନାଇବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଗୋଟେ କୁକିଂ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ଏଥିରେ ଆମେ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକାଇବା ଓ ପଞ୍ଚଫୁଟଣକୁ ଆମେ ଏକଦମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଭାଜି ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଏଥିରୁ ହାଲକା ହାଲକା ବାସ୍ନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଓ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଏହାର ଗୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ କୁକିଂ ପ୍ୟାନ୍ରେ 1 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ କଳା ଜିରା ପକାଇବା। କଳା ଜିରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଅଦା ଓ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଛେଚା ପକାଇବା। ଅଦାକୁ ମାତ୍ର 0.5 ମିନିଟ୍ରୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସପୁରିକୁ ପକାଇବା।
पूरी खंड गुड़ी मसला सहित भल भाव मिसाई सारे आम ए स्वाद अनुसार लुण और हलदी गुंड को पकेबा और गैस फ्लेम को मीडियम रे रखी यहाँ आम दुई रु तीन मिनिट पर भाजवा। बर्तमान सपूरी भल भाव सीझापी एमें गोटे कप पा पकेबा और गैस फ्लेम को लो मीडियम रे रखी यहाँ आम 5-7 मिनिट पर घोड़े की कुक करवा। सपूरी खंड गुड़िकपर भल भाव सीझीगला आम ए स्वाद अनुसार किसी गुड़ पकेबा आपड़ गुड़ जगह चीनी नहीं पारे गुड़ पकवापर आम गैस फ्लेम को मीडियम रे रखी गुड़ मेल्ट हवा जाए यह आम 2-3 मिनिट पर कुक करवा। गुड़ जितेबले यहपर भल भाव मेल्ट होते आम प्रस्तुत करुंड मसलू ए गोटे टी स्पून पकेबा और आधा टी स्पून चिली फ्लेक्स पके यहाँ भल भाव मिसई नवा। जब आम गैस फ्लेम को अफ करदे तेज प्रस्तुत हो सपूरी खटा। बर्तमान आम प्रस्तुत करवा आज थाल लास्ट रेसीपी तेज लास्ट रेसीपीटी आम बनवा राशि लगा बैगणी यह बनवाई इटे मुझे गोटे कप बेसन नहीं एबे आम ए 2 चामच चाउल गुंड पकेबा स्वाद अनुसार किसी लुण और हलदी गुंड को पकेबा और गोटे बड़ चामच राशि पकेबा और यही सब को भल भाव आम मिसई नवा। एबे आम यहपर अल्प अल्प पा दे कि यार पीठ को प्रस्तुत करवा। एबे आम एथरे आधा टी स्पून लंका गुंड पकेबा और 1/4 टी स्पून खाइबा सोडा को पके यहाँ को भल भाव मिसई नवा। बैगणी को छाणियापी ये मुझे तेल को मीडियम हिट रे मीडियम गरम कर देखते ये बैगण को मु गोल आउ पतला आकार काटी बर्तमान यही बैगण को पिठौर भल भाव बुड़ी तेल यहीपर पकई नवा। बैगणी गुड़िकपरी गोटे साइड्रु गोल्डन ब्राउन हो गला आम सावधान सहित लेउटे नवा और यार एपट साइड को मध्य गोल्डन ब्राउन हवा जाए यहाँ आम भाजवा। बैगणी गुड़िकपरी दुई साइड्रु भल भाव भाजी हो गला आम यह तेल रू काढ़ी पेपर नैपकिन रखिदे जहाद्वारा एक्सेस अएल सब सोख पिठ प्रस्तुत करने समय जेहेतु आम ए चाउल गुंडर व्यवहार करते तेणु देखो बैगणी गुड़िकते क्रिस्पी बनी एबे आम समान शैली में अन्य बैगणी गुड़ी को छाणी नवा। राशि लगा बैगणी सहित आज थाल सबू रेसीपी इटे प्रस्तुत हो तेज आशा कैं आज बिना पिज रसुण थाली आपण मानक पसंद आसदी आज भिडियो आपण मानक भल लगी तेज लाइक एंड शेयर करने जमार भूल धन्यवाद।